राजधानी की विशेष पहचान गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित IFSCA मुख्यालय के शिलान्यास और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर हम सभी के बीच मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर श्री भगवत करार जी और श्री पंकज चौधरी जी, राज्य के मेरे साथी वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, इंटरनेशनल फाइनेंस तथा फिनटेक से जुड़े संस्था के प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। व्यापार वाणिज्य के लिए सदियों से विख्यात इस गुजरात की वाइब्रेंट धरा पर मैं आज सबका स्वागत करता हूं। गिफ्ट सिटी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आज यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेवाओं के लिए हब बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गिफ्ट सिटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा गुजरात को दी गई अनमोल भेंट है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इंटरनेशनल तथा फिनटेक की विभिन्न परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री मोदी जी ने गुजरात में वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज तथा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के आशय से वर्ष 2007 में गिफ्ट सिटी की नींव रखी थी। उन्हीं की प्रेरणा से गिफ्ट सिटी आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है और यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के संस्थान बढ़ रहे हैं। यह इंटरनेशनल फाइनेंस और आईटी के अलावा मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर के संस्थान भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुल मिलाकर आने वाले समय में गुजरात की यह गिफ्ट सिटी हमारे राज्य को ट्रेड, बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस का ग्लोबल सेंटर बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। समृद्ध बंदरगाहों के कारण प्राचीन समय से ही हमारा राज्य गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता रहा है। मेरा मानना है कि आज के 21वीं सदी के ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स के युग में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यह गिफ्ट सिटी गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा। IFSC का हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के विस्तार एवं नियंत्रण का केंद्र बनने जा रहा है। आज भारत का प्रथम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने से गिफ्ट सिटी की सफल यात्रा में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय सबसे अधिक सोना चांदी खरीदने के लिए जाने जाते हैं, इस दृष्टि से बुलियन मार्केट में भारत को सबसे बड़ा प्लेयर माना जा सकता है। यह बुलियन एक्सचेंज भारत को प्रतिष्ठित स्थान दिलाएगा और इससे हमें बुलियन प्राइस तथा मार्केट को प्रभावित करने की क्षमता भी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा प्लेयर बनाने का सपना देखा है। उनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हम सब भी भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम गिफ्ट सिटी को और विकास करने की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। 700 एकड़ में फैला इस विशाल सिटी को हम ग्रीन, स्मार्ट और होलिस्टिक सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त 79 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए गिफ्ट सिटी के पास साबरमती नदी के तट पर रिवर फ्रंट विकास के लिए 355 करोड़ रुपए का बजट में हमने आवंटन किया है। गिफ्ट सिटी में कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम स्टॉक एक्सचेंज पर स्टैम्प ड्यूटी में 100% रिफंड की सुविधा भी दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने स्टैम्प ड्यूटी को माफ कर दिया है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आपने गिफ्ट सिटी को मेट्रो कनेक्टिविटी जल्द उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो के प्लान फेज टू में इसका समावेश किया है। गिफ्ट सिटी में मेट्रो ट्रेन कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के साथ हम यहाँ ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की कुल आबादी का मात्र 5% वाला गुजरात देश की अर्थव्यवस्था में 8% से भी ज़्यादा का योगदान दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब, सिरामिक हब, डायमंड हब और फार्मास्यूटिकल हब बना है। अब प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम गुजरात को फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कंपनीज और नियमनकारी संस्थाओं का हमारा आमंत्रण है कि आप आइए, गिफ्ट सिटी के साथ जुड़िए और व्यापार एवं वाणिज्य के उत्तम अवसरों का लाभ उठाइए। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति गुजरात को यह महत्वपूर्ण भेंट देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।